रूस की राजधानी मॉस्को में बैन के बावजूद हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पुलिस ने विपक्षी नेता एलेक्सेई नवालनी समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दिमित्री पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए।